नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आदर्श गुरु जी। मैं हूं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट मिस्टर कौशल कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, गूगल के द्वारा एक नए एड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हां, अगर आपके पास वेबसाइट है और वेबसाइट पर यदि आपका एडवर्टाइज शो करता है गूगल की तरफ से, तो ये वीडियो आपको देखना जरूरी है। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि गूगल की तरफ से कौन सा एड्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि पहले बहुत सारे एड्स आपको देखने को मिलते होंगे वीडियो पर, जैसे अलग अलग तरह करके, जैसे अगर बात करें तो इन पेज एड्स था, मल्टीप्लेक्स एड था, समझे एंकर एड्स था, और भी अलग अलग प्रकार के एड्स गूगल के द्वारा आपकी वेबसाइट पर डिस्प्ले कराए जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि एक और जो है गूगल के द्वारा नए एड्स को इंट्रोड्यूस कराया गया है, और ये जो है मतलब 30 तारीख को, मतलब 30 नवंबर को इंट्रोड्यूस, ये 30 नवंबर को आपको लेकर के मैं आया था गूगल। और हालांकि ये जो है आप लोग के वेबसाइट पे ये 13 तारीख से, मतलब 13 दिसंबर 2022 से, मतलब आपके वेबसाइट पे सारा कुछ डिस्प्ले करने लगेगा। और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये जो एड्स आया है गूगल की तरफ से नया, जो एक प्रकार का जो एड्स आया हुआ, उसका क्या फ़ायदा है और किस तरीके से फ़ायदे होंगे, और क्या हमें अपने वेबसाइट पे लगाने चाहिए ये एड्स या नहीं, तो चलिए सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आदर्श गुरु जी इस चैनल पे आपको आईटी सेक्टर से सारे मतलब कंटेंट आप लोग को मिलेंगे। जैसे कि मतलब अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो कोडिंग, अगर यूट्यूबर हैं तो यूट्यूबर के बारे में, मतलब जो भी न्यू अपडेट आते हैं वो सब सारे कुछ मतलब दिए जाते हैं। कहने का मतलब है सिंपल सी बात है कि आईटी सेक्टर से हर प्रकार की वीडियो आप लोग को लेकर के आते रहेंगे, और सभी मतलब बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से रिसर्च करने के बाद, हर चीज़ जानकारी लेने के बाद वो आप लोग को वीडियो में मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कंप्यूटर का स्क्रीन पर। अब समझते हैं कि ये किस प्रकार का एड्स जो है गूगल की तरफ से इंट्रोड्यूस कराया गया है। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर का स्क्रीन पर, और इस एड्स के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ उन लोगों को जो मतलब जिनके पास वेबसाइट नहीं है और वे वेबसाइट बना करके उससे पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हमारे चैनल जो है आदर्श गुरु जी पे ये वेबसाइट बनाने के लिए सारा कुछ सिखाया जा रहा है। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, वीडियो को देखने हैं, तो आसानी से क्या है कि वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं, समझे। इसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया जा रहा है, समझे। कहने का मतलब यह है कि आईटी सेक्टर से सारा चीज़ इसमें आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, समझे। तो आज का ये जो है वीडियो इसमें है कि हम लोग इस एड्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि साइड रेल एड्स है क्या, समझे। तो अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि गूगल के द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया है, 30 तारीख को आया था, समझे। और इस नोटिफिकेशन में हम ये बताया गया है कि साइड रेल एड्स जो है शो करेगा वाइडर स्क्रीन पर, और कब से शो करेगा, तो 13/12/2022 से शो करने लगेगा, समझे। तो ये उन लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए जो मतलब गूगल एडसेंस से मतलब पैसा अर्न करते हैं। तो ये जो है किस प्रकार का एड्स है, कैसे काम करेगा, क्या हमें अपनी वेबसाइट में इनेबल करना चाहिए या ऑन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, यदि ऑन रखते हैं तो इससे फायदा होगा या नहीं, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानने की प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और बहुत ही आसानी से आप समझ जाइएगा कि ये किस प्रकार का एड्स है, समझे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अगर इसमें आप देखेंगे तो टुडे वी आर अनाउंसिंग, समझे, एक न्यू फॉर्मेट का जो है अनाउंस कर रहे हैं, जिसका नाम जो है साइड रेल, समझे। इसका नाम जो है साइड रेल एड्स। हालांकि इससे पहले भी अगर आप देखें तो गूगल के द्वारा बहुत से मतलब अलग अलग प्रकार के एड्स जो है आपकी वेबसाइट पर डिस्प्ले कराए जा रहे थे। उनमें से अगर देखें इसमें तो अलग अलग फॉर्मेट में देखेंगे तो इन पेज एड्स था, मल्टीप्लेक्स एड था, एंकर एड्स था, और अब एक और नया आ गया है साइड रेल एड्स, समझे। अब इसका क्या है, किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, तो अगर इस बात को समझेंगे तो, और ये जो है आप लोगों को ये जो साइड रेल एड्स जो है आप लोग के वेबसाइट पे जो है 13 तारीख से, मतलब 13 तारीख के बाद से जो है शो करने लग जाएगा, समझे। ऑटोमेटिक जो है 13 तारीख से, 13 तारीख के बाद से ऑटोमेटिक आप सभी के वेबसाइट पे शो करने लगेगा। अब सभी की तो नहीं कर सकते, पर उन लोगों की वेबसाइट पे जरूर शो करने लगेगा, समझे, जिनके वेबसाइट पे जो है, यहाँ पर देखेंगे तो जिनके वेबसाइट पे एंकर एड्स जो है ऑन रहेगा, समझे। अगर एंकर एड्स ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, साइड रेल और एड्स भी ऑन रहेगा, समझे। अगर एंकर एड्स ऑन नहीं रहेगा तो ये साइड रेल एड्स भी ऑफ रहेगा, समझे। तो अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो साइड रेल एड्स जो है, ये क्या कहते हैं, एंकर एड्स को आपको ऑन रखना पड़ेगा। अगर ऑन है तो ऑलरेडी ये साइड रेल एड्स जो है ऑन आपको रहेगा, ज़्यादा कुछ एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग इसका समझेंगे कि साइड रेल एड्स जो है किस प्रकार से डिस्प्ले करेगा मेरे वेबसाइट पे या किसी की वेबसाइट पे, समझे।
मैं आप लोग को एग्जाम्पल के लिए बस मैं अपने वेबसाइट को ओपन करता हूँ, और इसे आप देखेंगे तो लोकल होस्ट पे ही है, ज़्यादा कुछ नहीं समझे। आप इसे ओपन करके देख सकते हैं वेबसाइट adacy.com को, तो हुआ वो इसी तरीके से ओपन होगा, ठीक है। तो अब इस वेबसाइट को देखेंगे तो इस वेबसाइट का जो लेआउट का फॉर्मेट है समझे, जो भी है, तो इसका आप देखेंगे तो साइड से ये स्पेस बचा हुआ है समझे, इस तरफ लेफ्ट भी और राइट में भी ये स्पेस छूटा हुआ है, ठीक है। तो अब जो नया जो है गूगल के द्वारा एडवर्टाइज लाया जा रहा है, नए प्रकार का एड्स जो डिस्प्ले करेंगे वेबसाइट पे, सभी के वेबसाइट पे, उसका नाम जो हो गया साइडरेल एड्स समझे। ये क्या है, नाम से तो पता चलता है कि साइड में ये शो करेगा एडवर्टाइज, बिल्कुल करेगा समझे, लेकिन और इसके बारे में अच्छी तरीके से हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इसमें लेकिन इसको हम लोग समझेंगे आसानी से। तो ये जो साइड रेल एड्स होगा क्या होगा कि आपके साइड में लेफ्ट एंड राइट में आपका साइड में ये डिस्प्ले करेगा, सपोज दैट यहाँ से लेकर के बॉटम तक मतलब शो करेगा, और इसमें भी यदि आप पेज को स्क्रॉल कीजिएगा तो वो क्या होगा, साइड में जो ये क्या कहते हैं, साइड में जो एड्स डिस्प्ले करेगा वो स्टिकी रहेगा, एक ही जगह पर मतलब चिपका हुआ रहेगा, नीचे की ओर मतलब मूव नहीं करेगा, आप चाहे उसको कितना भी स्क्रॉल कीजिए नीचे नहीं जाएगा। हाँ एक बात और ये भी है कि यदि नीचे नहीं जाएगा समझे, तो ये साइड में लेफ्ट राइट रहेगा, तो सिंपल सी बात है ये जो है पर ये इस प्रकार का प्रचार जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप पे ही मतलब देखने को मिलेगा, मोबाइल में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मोबाइल में ऑटोमेटिक मतलब हाइड रहेगा, ये मतलब डिस्प्ले नहीं कराएगा गूगल। ये क्या जो है साइडरल एड्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है सिस्टम कंप्यूटर के मतलब वाइड स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। इसको अगर हम लोग आकर के देखें तो इसमें सारा कुछ पढ़ेंगे तो सारा कुछ मालूम चल जाएगा कि जिसका नाम है साइडरल साइडरल एड्स दैट स्टिकी टू द साइड ऑफ द योर पेज, समझे, पेज के दोनों साइड जो है मतलब रुका हुआ रहेगा समझे, आप उसको स्क्रॉल करते रहिएगा कुछ नहीं होगा। और इस बार अगर अगर देखेंगे तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखेगा, तो वाइड स्क्रीन डिवाइस पे जब समझे, जैसे कि लैपटॉप हो गया डेस्कटॉप हो गया और बड़े बड़े स्क्रीन पे मतलब ओपन करते हैं वेबसाइट को, तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर आपका एंकर एड्स ऑन है तो ये भी साइडरल एड्स ऑन रहेगा बाय डिफॉल्ट समझे, उस कंडीशन में क्या है कि आपके लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ ये जो है एडवर्टाइज शो करेगा। अब ये किस प्रकार का, जैसे कि मैं आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ये इकोनॉमिक टाइम्स का जो है ये एक न्यूज का वेबसाइट मैंने ओपन कर रखा है, अगर इसमें आप देखें तो इस साइड में यहाँ पर भी एडवर्टाइज है और यहाँ पर भी है। अब ये बात यहाँ पर समझने वाली है कि अभी तक तो मतलब 13 तारीख से मतलब साइडरल एड्स डिस्प्ले करने वाले, लेकिन ये पहले ही मतलब यहाँ पर डिस्प्ले कराया हुआ, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये जो एड्स जो है ये एड्स जो है कोडिंग के द्वारा कोडिंग करके एडवर्टाइज को डिस्प्ले कराया गया है और एक ही जगह पर रोका गया है समझे, पर अब क्या होगा जब मतलब 13 तारीख के बाद से क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट इसमें आपको कोडिंग करने की कुछ एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको आपको ऑन कर देना है, ऑन करने के बाद क्या है साइडरल एड्स आपको इसी प्रकार से डिस्प्ले करने लगेगी। हालांकि गूगल का क्या है कि गूगल हालांकि मेंशन तो नहीं किया है कहीं कि किस प्रकार से मतलब डिस्प्ले करेगा ये साइडरल एड्स, पर जहां तक है संभावना ये मतलब है कि हूबहू इसी प्रकार से मतलब साइड में इसी प्रकार से मतलब रहेगा समझे, हालांकि जो गूगल है कहीं मेंशन किया नहीं है किस प्रकार से, लेकिन मैं आपको उधर भी मतलब ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से ही एडवर्टाइज जो है शो करेगा। जैसे कि अगर इसमें दोनों तरफ देखें तो ये आप इसको पेज को स्क्रॉल कीजिए उसमें ये दोनों एडवर्टाइज में कुछ मतलब इधर उधर होगा नहीं समझे, एक ही जगह पर मतलब चिपका हुआ रहेगा आसानी से। हाँ इसी अगर वेबसाइट को अगर मोबाइल में ओपन कीजिएगा तो साइड रेल एड्स ये जो साइड में एड्स डिस्प्ले करा रहा है आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर ये वाइड स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है जैसा कि अभी समझे। तो ये कुछ इसी प्रकार का एड्स जो है आपको अब अन्य वेबसाइट पर या सभी के वेबसाइट पर डिस्प्ले करेंगे जिनके वेबसाइट पर ये ऑन रहेगा। तो ये हो गई सारी चीज के आपको किस प्रकार से शो करेगा कब शो करेगा। अब ये भी है कि इससे हम लोग को फायदा क्या होगा और ये फायदा हम लोग को क्या है अर्निंग हम लोग का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है ज्यादा से ज्यादा ये एड्स अगर शो करेंगे आपके वेबसाइट पे तो इंप्रेशन बढ़ेंगे क्लिक आने की ज्यादा संभावना होगा, तो इस प्रकार से सारी चीज बढ़ेगी तो आपकी जाहिर सी बात है अर्निंग भी बढ़ेगा समझे। तो इसमें कोई मतलब ये निगेटिव थॉट नहीं है कि मतलब साइड एड्स को जो है ऑफ रखना चाहिए, आप ऑन यदि आपका लेआउट उस तरीके के है कि साइड में आपका भाई स्पेस छूट जाता है तो बिल्कुल ऑन रखिए, ऑटोमेटिक क्या है शो करेगा एडवर्टाइज और इससे क्या होगा कि आप लोग को अर्निंग मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा समझे। तो ये आज का कुछ मतलब इसमें ये था। अच्छा इसमें ऑन रखने का क्या है प्रोसेस मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जैसे इसको अगर एड्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपका वेबसाइट में ये ओपन होगा, अगर उसमें देखेंगे एड फॉर्मेट में देखेंगे तो ये क्या है अलग अलग प्रकार के ये जो एड्स जो है
अगर आप इसमें देखेंगे तो एंकर एड्स ऑन मेरा है, समझे, एंकर एड्स ऑन है, तो उसी प्रकार वाइड स्क्रीन भी ऑन है। तो उस अब यहाँ पर देखेंगे साइड रेल एड्स भी है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले करा रहा है। अब इसको क्या है कि यहाँ पर क्लिक करके ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, समझे। अब मेरा क्या है कि यहाँ पर एंकर एड्स ऑन है, इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या है कि साइड रेल एड्स भी बाय डिफॉल्ट ये ऑन है, समझे। तो एक प्रकार से जितने भी है सारे कुछ मतलब देखने को मिल जाएंगे आपको। सपोज दैट आपको मतलब ये नहीं रखना है साइड रेल एड्स, तो ये आप क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, पर ये अगर ऑन रखते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग को अर्निंग मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा ही करेगा। और ये जो है साइड रेल एड्स विल बी स्टार्ट अपीयरिंग आफ्टर दिसंबर 13, समझे। अगर आप इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर सकते हैं, अन्यथा आपके मतलब ये फायदेमंद है कि आप इसको ऑन ही रखिए, समझे। तो कुछ ये मतलब नोटिफिकेशन आया था गूगल की तरफ से, मुझे लगा कि आप लोग को जानकारी दे देना चाहिए, समझे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही मतलब टेक्निकल मतलब वीडियो लाते रहता हूँ, और भी अधिकतर मतलब कोडिंग के से मतलब कोडिंग वगैरह सारे कुछ सिखाते रहता हूँ। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।